हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियल मी 11 प्रो फ़ोन में आप लोग ईयरफोन को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियल मी 11 प्रो फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को ईयरफोन को लगाना है गाइस, और कैसे आप लोग ईयरफोन को लगाओगे गाइस। अगर आप लोग गेम्स वगैरह खेल रहे हो तो ब्लूटूथ ईयरफोन में क्या होता है गाइस, अगर आप लोग गेम खेल रहे हो तो गेम का जो आवाज़ है वो ब्लूटूथ नेकबैंड या ईयरबड्स में आप लोगों को थोड़ा देर बाद आवाज़ सुनने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग ईयरफोन को लगाओगे गाइस, जो वायर वाला ईयरफोन होता है उसको लगाने से आप लोगों को एकदम एक्यूरेट आवाज़ सुनने को मिल जाता है। तो कैसे आप लोग इस फ़ोन में जो है ईयरफोन को लगा सकते हो, यहाँ पर इस फ़ोन में जो है ईयरफोन लगाने का कोई भी जगह नहीं है। 3.5 mm जैक इस फ़ोन में नहीं है। तो कैसे आप लोग इस फ़ोन में ईयरफोन को लगाओगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईयरफोन लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक यहाँ पर कोड आप लोगों को ख़रीदना होगा। देख सकते हैं यार, 100 rupees के अंदर ये मिल जाएगा गाइस। तो इस कोड में देख सकते हैं, एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा गाइस टाइप सी का पिन, और दूसरे साइड आप लोगों को देखने को मिलेगा 3.5 mm जैक। तो अभी क्या करने गाइस, आप लोगों को यहाँ पर जो ये टाइप सी का पिन है इसको आप लोगों को अपने चार्जिंग पोर्ट में डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने ईयरफोन को लगा देना है, ठीक है। जो आपका 3.5 mm जैक वाला वायर वाला ईयरफोन है इसको यहाँ पर इसको डाल दीजिए। डालते ही यहाँ पर आपका जो ईयरफोन है वो इस फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है गाइस, गाना सुनिए या आप लोग गेम्स वगैरह खेलिए, आपके ईयरफोन में जो है साउंड आने लग जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियल मी 11 प्रो फ़ोन में आप लोग ईयरफोन को लगा सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।